तो आज की रेसिपी है झटपट से बनने वाली तीखी मसालेदार मूली की भुजिया की रेसिपी, जो आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है, जिसको आप मेरे तरीके से एक बार बनाकर खाएंगे तो पूरा परिवार आपकी तारीफ करेगा। हेलो फ्रेंड्स, चैनल सेफ मीनाक्षी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रेसिपी है झटपट से बनने वाली मूली की भुजिया, जिसको आप घर पर आसानी से किस तरीके से बनाएंगे शुरुआत करते हैं। मूली की भुजिया बनाने के लिए मैंने ली है 1 किलो मूली, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और मूली के पत्तों को भी बारीक काट लिया है और अच्छे से धो लिया है ताकि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। अब मैं इसको डालूंगी कुकर में। और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको 2 से 3 सीटी में लगा लेंगे और इसको उबाल लेंगे। तो गैस मैंने ऑन कर लिया है, अब मैं कुकर में डाल रही हूँ 2 से 3 गिलास पानी। मूली में ऑलरेडी पानी होता है तो हम पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये आधा गिलास और, तो मैंने टोटल 2.5 गिलास पानी इसमें डाल दिया है और इसको ढक्कन ढक के अच्छे से उबाल लेंगे। 3 सीटी आने के बाद मूली अच्छे से उबल गई है, इसका पानी अच्छे से अब निचोड़ लेते हैं। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है सारा हम निचोड़ लेंगे। मूली का पानी अच्छे से निचोड़ लिया है और अब मैंने गैस ऑन कर लिया है और अब इस कढ़ाई में डालूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल। तो ये लगभग 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल है। आप जब कभी भी मूली की भुजिया वगैरह बनाएं तो इसको एक बार सरसों के तेल में जरूर बना के देखना, इससे भुजिया में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग। जीरा चटक गया है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जो भुजिया में बहुत ही गजब का टेस्ट देगा। आप इस मूली की भुजिया को अगर सरसों के तेल में नहीं बनाना चाहते तो आप कोई भी तेल या रिफाइंड ऑयल जो है इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लहसुन और अदरक हल्का ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ प्याज, दो मिनट के लिए इसको भी हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो प्याज भी हल्का ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बारीक कटे हुए टमाटर। एक मिनट के लिए टमाटर को पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। एक से 1.5 मिनट हो गया है और टमाटर जो है पक गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मसाले। तो मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। नमक आप कम ही रखिएगा क्योंकि मूली के अंदर हल्का खारापन होता है, इसलिए नमक को कम ही रहने दें। और साथ ही अब ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स और 2 मिनट के लिए मसालों को भून लेंगे। और साथ ही ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच गरम मसाला। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए मसालों को भूनना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये उबली हुई मूली। और इस मसाले में इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मसाले के साथ मूली को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको चलाते रहेंगे।
ताकि मसाला जो है मूली के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो गया है और गैस को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कर दिया है और इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं ढक देती हूँ। तो गैस को करती हूँ मैं ऑफ और 1 से 1.5 मिनट हो गया है और हमारी चटपटी मसालेदार मूली की भुजिया बनकर तैयार है। इसे आप खाएं पूरी के साथ, पराठों के साथ, या फिर इसी का पराठा बनाकर खाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। तो ये थी स्वादिष्ट मूली की भुजिया की रेसिपी। आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लाती रहूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइस। थैंक यू सो मच।